वाड़ी ग्राम पंचायत को नगर परिषद में तब्दील हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन वाड़ी शहर अभी तक विकसित नहीं हो पाया। जब ग्राम पंचायत होती है तो स्थानीय स्वशासन बुनियादी विकास का एक महत्वपूर्ण आधार होता है, लेकिन वाड़ी नगर परिषद एक परिवर्तन के बाद नगरपालिका के विकास के लिए डीपी योजना की एकमात्र वैकल्पिक व्यवस्था है। वर्तमान स्थिति में वाड़ी नगर परिषद में ज्वलंत मुद्दा डीपी योजना का विषय है। डीपी योजना का विषय 19 सितंबर 2016 वाड़ी नगर परिषद के सभागृह में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद नगर परिषद ने डीपी योजना के सर्वेक्षण के लिए 97 लाख रुपए खर्च किए। यह पैसा डीपी योजना के मैप के अनुमोदन के उद्देश्य से खर्च किया गया था। इसके बाद नागरिकों ने डीपी योजना के कई मुद्दों पर डीपी योजना समिति की अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की। इसमें नागरिकों का मत है कि बस्ती की सड़कों को कुछ मीटर से भी कम लिया जाए। नागरिक अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनके घर नष्ट न हो, लेकिन डीपी योजना को लेकर ऑब्जेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। यदि कोई सुझाव या ऑब्जेक्शन नहीं लेगा तो इस बात की प्रबल संभावना है कि डीपी योजना पर आपत्ति नहीं होगी और डीपी प्लान को बिना सुझाव के तैयार किया जाएगा। प्रत्येक स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधियों को अपनी राय, फीडबैक, सुझाव और आपत्ति देने का मौलिक अधिकार है। डीपी योजना सरकार के नियम मुताबिक बनाई जाएगी। ऐसे में अगर डीपी योजना लागू नहीं की गई तो वाड़ी का विकास ठप हो सकता है। आज भी वाड़ी के विकास पर नजर डाले तो ग्राम पंचायत के बाद विकास ठप ही है। डीपी प्लान हियरिंग समिति का गठन सरकार द्वारा सीधे तौर पर किया गया ताकि नागरिक किसी अफवाह के शिकार न हो। यदि कोई समिति नहीं है तो डीपी योजना के संबंध में सभी निर्णय प्रशासक द्वारा लिए जाएंगे। पता चला है कि पुणे शहर विकास कार्यालय के माध्यम से इस हियरिंग की समिति का चयन किया गया, लेकिन नागरिकों का कहना है कि निर्णय लेने के लिए चुने हुए लोक प्रतिनिधि की स्थायी समिति की आवश्यकता थी। यह बराबर है। डीपी योजना को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंजूरी के बाद वाड़ी शहर के लिए विकास के कई रास्ते खुलेंगे और वाड़ी शहर विकास के राह पर होगा। डीपी योजना की मंजूरी से कई समस्याओं का समाधान होगा और शहर में बाजार, दुकान, केंद्र, पुल बाजार, मॉल, मटन बाजार, सेवा उद्योग स्थापित होंगे। सरकारी अस्पताल के लिए जगह उपलब्ध होगी और एनजीओ अस्पताल उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं के लिए प्रेजेंटेशन हाउस, सरकारी कार्यालय, फुल नाट्य मंदिर, बच्चों के लिए व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, गार्डन, ग्राउंड, मटन मार्केट, स्कूल परिसर, यह सभी को 20 साल की योजना में विकसित किया जाएगा। डीपी प्लान विकास के दर्जे से मंजूर हो इस तरफ सभी नागरिकों का ध्यान लगा है। बीसीए न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट। नागरिकांना प्रत्येक संधि उपलब्ध करून दिल्या की तुमच्या काय सूचना असेल, हरकती असेल त्या मांडा, त्या मांडल्या आणि आपली प्रक्रिया आता सुरू आहे। अनेक लोकांनी असं म्हटलं की प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ज्या मॅडम आहे प्रशासक, त्यांना राहता जर बॉडी असती तर अधिक लोकांचा समन्वय याच्यामध्ये वाढला असता, लोकांचं प्रतिनिधित्व वाढलं असतं। परंतु अशी गोष्ट आहे की त्या महाराष्ट्र MRTP ऍक्ट मध्ये जशी तरतूद आहे किंवा आमच्या MMC ऍक्ट मध्ये जशी तरतूद आहे की कोणती नगर परिषद स्थापन झाल्यानंतर 3 वर्षाच्या तुम्हाला डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करायचा आहे आणि त्या उद्देशाने आपण हे केलेलं आहे। परंतु अनाशी आता अशी गोष्ट आहे की आता आपल्या इथे बॉडी नाही, परंतु त्या बॉडीचं नेतृत्व करणारे प्रशासक आहे, त्यामुळे बॉडीला जे काही अधिकार प्राप्त होतात ते प्रशासक यांना प्राप्त झालेले आहे आणि त्या माध्यमातूनच ही प्रक्रिया सुरू आहे। काही लोकांचं असं म्हणणं होतं की प्रशासकीय प्रशासक इथं आलेले नाही, परंतु मॅडमला याच्याबद्दल प्रशासनाद्वारे सूचना दिलेली होती, परंतु यदा कदाचित त्यामध्ये काही त्रुट्या असतील तर ते मी मॅडमला स्वतः जाऊन भेटलो आणि मॅडमला सांगितलं की म्हटलं प्रशासकीय कारणास्तव जर आपल्याकडे सूचना आली नसेल, परंतु मी TPOला विचारलं तर टाउन प्लॅनिंग ऑफिसरने सांगितलं की मॅडमला मी पत्र दिलेलं आहे, परंतु मॅडमला पत्र भेटलं हे मान्य आहे आणि मॅडमच्या जे काही समजा काही प्रश्न होते तर मी त्या मॅडमला स्वतः भेटलो, त्यांना ज्या काही इथल्या अडीअडचणी होत्या त्या मांडल्या आणि मॅडमचं समाधान झालेलं आहे।